कोई दुकान पर बैठा हो, बैठा है दुकान पर, अपनी सुद में बैठा है दुकान पर, और तुम उसके सामने से दो बार मुस्कुरा के निकल जाओ बस देखते हुए, चार दिन तक रोटी नहीं खाएगा, टेंशन में पड़ा रहेगा, आखिर ये था कौन, कौन थी ये मुस्कुरा के गई, कौन था ये मुस्कुरा के गया, चार दिन रोटी नहीं खाएगा, सपने में भी वही दिखेगा, वो मुस्कुरा रहा था, वो था कौन। पत्नी भी तुमसे पूछ लेगी, क्यों जी तुम्हारा दिल ठिकाने नहीं है, आज बात क्या है, बात क्या है। अब उसको क्या बताएं कि मेरे दुकान के सामने से एक गाड़ी लेके रोज निकलता ना, कांच खोल के और हंसता हुआ निकल जाता, दूसरे को टेंशन दे दिया। दुख आए ना तुम्हारी जिंदगी में, कष्ट आए ना तुम्हारी जिंदगी में, कोई कितनी भी गाली देना तुमको, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कितने भी कर्जे में लदा लूम हो गए, कितना भी दुख बड़ा आ गया, कितना भी घाटा लग गया, तो भी जब भी मार्केट में निकलना तो मुस्कुरा के निकलना, आधे लोगों की जान तो यूं ही जल जाएगी तुम्हारे मुस्कुराने से, केवल तुम्हारे मुस्कुराने से जल जाएगा, आधा तो टेंशन में पड़ा रहेगा, इतना दुख, दुकान नहीं चल रही, कर्जे में तो भी हंस रहा है। लोग पूछेंगे कहीं का खजाना मिल गया क्या, तो दूसरे भी कह देंगे खजाना नहीं मिला, आकोला में कथा हुई थी, सियोर वाला महाराज पगला था, इसको भी पागल बना गया, हंसना सिखा गया, मुस्कुराना सिखा गया, मुस्कुराता। और मुस्कुराने की कथा देखना हो तो रावण की कथा उठाकर देख लेना, कितने मुंह थे, जम के बोलो, 10, एक बार हंसता था 10 मुंह से पूरा ब्रह्मांड टेंशन में आ जाता था कि ये हंसा क्यों है, क्योंकि हंसता ही जब था जब किसी पर आक्रमण करता था। तो तुम भी आक्रमण कर रहे हो अपने दुख पर, अपने कष्ट पर, अपने रोग पर, अपनी बीमारी पर, हंसकर आक्रमण कर रहे हो तो जीत निश्चित हो।